अमेरिका में खेले जा रहे यूएस ओपन में स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर क्वार्टर फाइनल में हार गए। वर्ल्ड नंबर 3 फेडरर को 78वीं रैंक के ग्रेगोर दिमित्रोव ने 5 सेट तक चले मुकाबले में हराया। दिमित्रोव ने यह मैच 3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2 से जीत लिया। वे पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचे। वुमन्स सिंगल्स में सेरेना विलियम्स सेमीफाइनल में पहुंच गईं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में चीन की वांग कियांग को हराया। इस टूर्नामेंट में सेरेना की ये 100वीं जीत है। 8वीं वरीयता प्राप्त सेरेना ने कियांग को 6-1, 6-0 से हराया। सेरेना सेमीफाइनल में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना से भिड़ेंगी। स्वितोलिना ने क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन की जोन्ना कोंटा को हराया। उन्होंने यह मुकाबला 6-4, 6-4 से अपने नाम कर लिया। स्वितोलिना पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची। सेरेना 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 और 2014 में यूएस ओपन जीत चुकी हैं।